तो कैसे क्या चल रहा है आजकल? मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान में सिर्फ तीन चीजें चल रही हैं आजकल। पहला कैरी मिनाती। कैरी मिनाती कैसे भाई साहब हैं जिन्होंने यूट्यूब में एक ऐसा वीडियो बनाया, टिकटॉक और यूट्यूब दोनों में से कौन सा बेटर है। एक दिन के अंदर उनके वीडियो पे जो टोटल सब्सक्राइबर थे और जो व्यूज थे, बात करूं 0 से लेके 75 मिलियन तक व्यू जस्ट इन 3 डेज। और उनके ऑलरेडी सब्सक्राइबर 10 मिलियन थे, जो कि 10 मिलियन से 17.5 मिलियन सिर्फ 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था इंडिया की तरफ से। और दो डाला कम से अमेजिंग गाय। और दूसरा हम बात करेंगे हमारे अपने मोदी साहब। उस दिन टीवी पे आए, आधा घंटा हम सब लोग आंख लगाए, टकटकी लगाए, हम देख रहे हैं अभी टास्क मिलेगा, अभी कोई टास्क मिलेगा, बट टास्क आखिर तक नहीं दिया गया। और एट द एंड बूम, 20 लाख करोड़। अभी तक हमारे कुछ दोस्त राहुल बाबा और खान साहब कंफ्यूज है उसको गिनने के लिए कि 20 लाख करोड़ में जीरो कितने होते हैं। बट मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे दोस्तों, 20 लाख करोड़ में 13, सही सुना आपने, 13 जीरो है। ओह नो। ओके, और तीसरे की बात करते हैं, आपका अपना दोस्त प्रूटॉक्स, जो कि सुपर हिट हो चुका है। आपके प्यार ने इस सारी वीडियोस को बहुत बहुत प्यार दिया, इसका तहे दिल से धन्यवाद। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हम बात करेंगे सन 2002 की, जब हमने एक गाने के ऊपर रीमिक्स किया था। गाने के बोल थे चप्पा चप्पा चरखा चले, और हमने उस पे गाने के ऊपर बोल बनाए मसा मसा खर्चा चले। और आज के हिसाब से, इस लॉकडाउन के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी, भाई वो गाना भी अपलोड करो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स द राइट टाइम टू अपलोड दैट सॉन्ग टू फॉर ऑल ऑफ यू। बट जब उस गाने को मैं उस परफॉर्मेंस के बाद देखा, तो मुझे लगा, सच्चे दिल से बता रहा हूं भाई, कि क्या, सही सुना आपने, ओह नो, करके आया है। बट लेकिन आज जब मैं 15 साल के बाद उस गाने को देखता हूं, तो लगता है कि वो यादें जो उन दोस्तों की वजह से मिली, जो दोस्तों ने मोटिवेट किया स्टेज पे जाने के लिए, जब स्टेज पे था जो जोश दिया वो यादें बन गई, वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे दोस्तों ने, उनका तहे दिल से शुक्रिया। इन द मीनवाइल प्लीज इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए। सी यू सून गाइस, आई लव यू। इनकी वर्डिंग पे ख्याल रखिएगा, गाना तो हमने कभी गाया नहीं, वर्डिंग इज मेन थिंग। हे मसा मसा खर्चा चले, हे मसा मसा खर्चा चले, हे लोका बे को महंगाई बड़ी, खर्चा किमे चले, हे खर्चा किमे चले, हे आगे देखिएगा, बड़ी महंगाई जमाता दी पढ़ाई, बड़ी महंगाई जमाता दी पढ़ाई नहीं, मॉडल स्कूला ने तो हद ही मुकाए नहीं, दब गया कर्ज थले, हाय मसा मसा खर्चा चले, हाय मसा मसा खर्चा चले, अरे सुनियो सही, कलम मेरी वोटी ने रसोई च बुलाया सी, हाय कलम मेरी वोटी ने रसोई च बुलाया सी, खाली पीपा आटे वाला खोल के खाया सी, दब गया कर्ज तले, मस मस खर्चा चले, हे मस मस खर्चा चले, चुन्नी सूट जुत्ती ते रुमाल मंग दीन, चुन्नी सूट जुत्ती ते रुमाल मंग दीन, हूं वोटी नु ता होया पूरा साल मंग दी, ओ मैं कुछ भी ना ले आया, ओए मस मस खर्चा चले, हे मस मस खर्चा चले। वाओ, व्हाट ए परफॉर्मेंस इट वाज, क्या जोश था, क्या जज्बा था। गाइस मैं अपनी नहीं, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं, क्या साथ दिया था आपने मेरा उस पूरे की पूरी परफॉर्मेंस के अंदर। एंड अगेन इट वाज अनप्लान्ड परफॉर्मेंस, दैट वाज द रीजन आई वाज रीडिंग इट आउट फ्रॉम द पेपर। बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और अगली परफॉर्मेंस हम बात करेंगे हमारे अपने दोस्त कमल दीप सिंह कालो।
वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मस्ती मारी, खूब सारी मस्ती मारी, पढ़ाई भी करी लेकिन थोड़ी कम करी, और उन्होंने एक गाना गाया था उसी शो के अंदर, उसी फेयरवेल के अंदर, हम बंक मार दे फड़े गए, असी बंक मार दे फड़े गए। सो टिल द टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विद दैट परफॉर्मेंस बाय कलोसा। स्टे ट्यून्ड, लव यू गाइस।